पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं और उनके परिवारों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में महर्षि वाल्मीकि सम्मान प्रदर्शन किया। उन्होंने ज्ञापन भी दिया। बहुत चरम सीमा पर वहाँ अपराध पनप रहा है। ममता बनर्जी की देख रेख में महिलाओं पर बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं। संदेश खाली आज उसका उदाहरण है। अगर ईडी अपनी कार्रवाई के साथ ईडी के अधिकारियों पर, जब ममता बनर्जी सरकार में संदेश खाली में शेख नाम का व्यक्ति है उसने हमला किया, तब जाकर ये बात सामने आ चुकी। महिलाओं पर इतनी बर्बरतापूर्वक यौन उत्पीड़न अत्याचार जैसी घटनाओं को महर्षि वाल्मीकि सेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आज उस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन लेकर महर्षि वाल्मीकि सेना आज देगी जिलाधिकारी के माध्यम से। और हम मांग करते हैं कि ऐसे संदेश खाली महिलाओं के साथ बच्चों के साथ अपराध करने वाले संदेश खाली के व्यक्ति जो शेख है उसके खिलाफ फांसी का मुकदमा दर्ज हो, फांसी हो उसे, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और संदेश खाली में जो ममता बनर्जी की सरकार हो तत्काल बर्खास्त किया जाए, हमारा प्रशासन लगाया जाए। ऐसी मांग लेकर महर्षि वाल्मीकि सेना आज प्रदर्शन कर ज्ञापन दे रही है। हमारे बीच में महर्षि वाल्मीकि सेना के तमाम पदाधिकारी, भाई ज्ञानेंद्र दीवान जी उपाध्यक्ष, प्रदेश के महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हमारी मंजू जी, नरेंद्र चौहान जी, तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं और ये मांग महामहिम राष्ट्रपति से करते हैं कि संदेश खाली महिलाओं पर अत्याचार करने वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और संदेश खाली के अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। ममता बनर्जी रोक लगाएं और अपनी सरकार से बर्खास्त करें। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ममता बनर्जी के देख रेख में ये सब चीज़ हो रही है। जो शेख है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए कि आने वाले भविष्य में कोई बंदा इस तरीके की हरकत न करे दलित महिलाओं के साथ में। ममता बनर्जी सरकार द्वारा शेख शाहजा को बचाया जा रहा है, जबकि वहाँ पे तनुष थानी की महिलाएं बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो उनको ज्ञापन देने के लिए राष्ट्रपति महोदय से हमारी प्रार्थना है कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए ताकि महिलाओं का सम्मान बना रहे। ये घटना कब की है? घटना अभी चल ही रही है, उनको बचा रही है बराबर ममता सरकार। जैसे कि प्रदेश में माननीय मोदी जी बैठे हुए हैं और सेंट्रल में, उसके बाद ये बर्खास्त राष्ट्रपति के द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही है ना? उनको जब बचाया जा रहा है देश स्तर पे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया है, अब अपने लेंगे अपने हाथ में जांच कराएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया तो बचना असंभव है। जहाँ एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है और बंगाल पर इसका उलट हो रहा है, तो किस तरीके से देख पा रही हैं आप इसको? ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हमारे समक्ष में यत्र नारी अस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली संस्कृति है और एक तरफ हमारे ही देश में महिलाओं के साथ इतना अत्याचार, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत शर्मनाक घटना। वो खुद भी एक महिला है तो महिलाओं की पीड़ा जानती हैं, उसके बाद वे ऐसे महिला होने का मतलब ये नहीं है कि वो महिलाओं पर अत्याचार नहीं करेगी। जब सोच गंदी है तो उसको क्या कर सकते हैं। तो आप किस तरीके की मांग है आपके? हमारी मांग है जो भी इसमें दोषी है उनको फांसी